माँ तेरी छवि है न्यारी। पर मेरा घी बन के रेडी है, मावा बचा है तो चीनी मिला के रख लिया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रचना पैराडाइज। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज का दिन है नवरात्रों का पहला दिन, तो मेरी तरफ से आप सभी को नवरात्रों की, गुड़ी पाड़वा की और हमारे हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बस जो मॉर्निंग का काम है वो हो गया है, पूजा हो गई है मेरी। और आप लोगों ने कैसे पूजा की बताइएगा मुझे, और मैं कहीं जा नहीं पाती ज़्यादा, आप लोगों को पता होगा मेरे ब्लॉग से। और थोड़ी हेल्थ भी इधर ऐसी चल रही है, मतलब काफ़ी लंबे टाइम से मैं बार बार कहती हूँ आपसे, तो कुछ रीजन है जिसकी वजह से ठीक नहीं हो पा रही है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कभी डिटेल में। तो अभी सुबह का टाइम काफ़ी जल्दी जल्दी का रहता है, तो पूजा हो गई है, बाकी जो भी काम था वो सब हो गया, तो सोचा आपसे थोड़ी बात कर लूँ, ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ। और आगे क्या कैसे होता है मुझे पता नहीं। और उपवास आज मैंने नहीं रखा है क्योंकि कुछ दवाइयाँ खानी है मुझे, और रखना तो चाहती थी, बचपन से रखती आ रही हूँ पूरे 9 दिन का, बट अभी कुछ समय से दवाइयों की वजह से नहीं हो पा रहा है। सो अच्छा नहीं लगता है, बट क्या करें, देखेंगे सप्तमी अष्टमी का रख लेंगे। तो जहाँ मैं पहले रहती थी सदर लखनऊ में, तो वहाँ पे एक दुर्गा मंदिर है और बचपन से ही हम वहाँ पे जाते थे, तो वहाँ पे रात को कीर्तन होते थे डेली, तो वही से मुझे याद आ रहा है। और काफ़ी सालों से मैं मतलब ऐसे कीर्तन वगैरह में नहीं जा पाई हूँ, जब सदर कभी जाना होता है तो मंदिर भी नहीं, ऐसा नहीं कि जाना हो पाए हर बार, तो काफ़ी टाइम हो गया है मुझे मंदिर गए हुए। तो सोच तो रही हूँ कि इस नवरात्र में ज़रूर जाऊँगी, बट वही है जाने आने का दिक्कत हो जाता है, और बस मन बहुत ज़्यादा कर रहा है। और माता के दर्शन तो हो ही जाते हैं, बट पर्सनली जाकर वहाँ पे मंदिर में जाना और वो सब फिर से एक्सपीरियंस करना, और तब ऐसा ना मन नहीं करता था जाने का बचपन में, या छोटे अब यंग होते तो इतना मन नहीं करता है, मगर मम्मी साथ में लेके जाती, रात को कीर्तन होता था, श्रृंगार बोलते थे उसको माता का, तो वही है। तो इस बार बहुत मन कर रहा है, तो मैं पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जा पाऊँ, देखिए माता बुलाती हैं या नहीं, कैसा है। सो बस अभी दिन का जो भी होगा मैं शेयर करूंगी, पता नहीं क्या करूंगी कैसे करूंगी, बट जो भी होगा आपके संग शेयर करूंगी। तो चलिए थोड़ा सा और काम निपटा लो, फिर आपसे बाद में मिलती हूँ। ओके, ओम सर्व मंगल मंगल शिव सर्वा साधु के प्राणी तब के गौर नारायण दुर्गा देवी के स्वाथ नाम सती साधि भक्ति नाम स्वरूपणी अनंता भावनी भाव्या भव्या भव्या सदगति शाम्भवी श्री दुर्गा चालीसा की जय। ओ नमो दुर्गे सुकन्नी नमो नमो अम्बे दुकन्नी निरंकार है जो तुम्हारी तीन लोक पहली उज्जिया ऋषि महाविशाला शत्रुनाश की जय। महारानी सुम्र चित्र में भगवान रावण केले का खंभा बंधन वाक्य वास्ते आम के पत्ते चंदन कलश नारियल सरोपदी अल्ली गाट पंचरत्न लाल वस्त्र पूर्ण पात्र चावल से भरा हुआ गंगा के मृतिका जौ बताशा सुगंधित तेल सिंदूर कप जी बोले हे ब्रह्मा आप अत्यंत बुद्धिमान शलो सास और चालों वेदों को जानने वाले में श्रेष्ठ हो, हे प्रभु कृपा करके मेरा वचन सुनो। चैत्र आश्विन और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान इस व्रत का फल क्या है और किस प्रकार करना उचित है, और पहले इस व्रत को किसने किया सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति तुमने प्राणियों का हित करने की इच्छा से बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, जो मनुष्य मन्नत पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं मनुष्य धन्य है, यह नवरात्र संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जी बोले पीटर नाम के मनोहर नगर में एक नाथ नाम का ब्राह्मण रहता था, वह भगवती दुर्गा का भक्त था, उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानव ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थना वाली सुमति नाम की अत्यंत सुंदर पुत्री होता प्रतिदिन दुर्गा जी की पूजा और होम किया करता था, उस समय वह भी नियम से वहाँ उपस्थित होती थी। होगा वही जो मेरे भाग में लिखा है, मेरा तो उस पर विश्वास है, मनुष्य जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, परंतु होता वही है जो भाग में विद्यार्थी ने लिखा है, जो जैसा करता है उसको फल में से कर्म के अनुसार ही देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो, तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अमृत को पहले बताए विधि के साथ जो कोई करता है उसके संबंध में सुधर जाता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इस प्रकार ब्राह्मण को व्रत की विधि और फल बताकर देवी जी अंतर ध्यान हो गई। जब मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस व्रत में सुख पाकर अधिकतर दुर्लभ मुझको प्राप्त होता है। हे बृहस्पति यह दुर्लभ व्रत को मतलब मैंने तुम्हारे लिए बताया है। बृहस्पति जी कहने लगे ब्रह्मा आपने मुझको व्रत की कृपा की। तेरी छवि है न्यारी, माता तेरी छवि है न्यारी, अंधियारा में बाकी जैसे मुझे उठी जाता चत की जा दुर्गा राजा ने की दुर्गा माता तेरी सदा जय कर महादेव की जय, हनुमान की जय, सीतापति रामचंद्र की जय, लक्ष्मीपति नारायण की जय, दोनों की जय। तो पूजा आरती करने के बाद मैंने देखा कि काफ़ी दिनों की मलाई हो गई कट, और मुझे पूजा के लिए घी भी चाहिए था ज्योत जलाने के लिए, तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ। तो बस वही मैंने अपनी नॉनस्टिक कढ़ाई चढ़ाई इंडक्शन पे और बनाने लगी घी, तो मैं मक्खन नहीं निकालती हूँ डायरेक्टली बनाती हूँ, तो बस मलाई को डाला मैंने क्योंकि फ्रीज़र में थी तो उसको थोड़ा नॉर्मल किया, उसके बाद जब वो अच्छे से पिघल गई तो बस को चलाती रही और लगातार चलाती रही, ऐसा भी नहीं काफ़ी देर के लिए छोड़ भी दिया था मैंने,
तो बस आप देख रहे हैं इसका टेक्सचर क्लिप में कैसे चेंज होते आ रहा और घी निकलने लगा है। ये करीबन 15 मिनट की बात ही क्लिप है, 12 से 15 मिनट हो गया था, तो इतना टाइम तो लग ही जाता है। और बस इसके बाद मैं इसको चलाती रही, घी निकलता गया, बीच में कुछ और भी काम आ गए थे इसलिए मैं सही से मतलब वही ना उस समय आपको बता नहीं पाई, तो सोचा वर्स ओवर कर देती हूँ यहाँ पर। सो देख रहे हैं कि जो मलाई का टेक्सचर है वो धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है और इसी से जो बचेगा वो खोया बन जाएगा, तो उसको मैं कैसे यूज़ करती हूँ वो भी दिखाऊंगी मैं। और बस जो साइड में लग जाएगा ना उसको स्क्रैप करते रहिए बार बार अच्छे से, और पूरी कढ़ाई बाद में लास्ट में ऐसी हो जाएगी कि आपने इसमें कुछ बनाया ही नहीं है, मतलब बस थोड़ा घी लगा रहेगा। तो इस तरह से मैं घी बना लेती हूँ और मम्मी भी इसी तरह से बनाती थी, तो सोचा कि चलो बना लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया था मुझे घी बनाए हुए। और मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो पहले मलाई से मक्खन बनाते हैं फिर घी बनाते हैं, बट मेरे घर में ऐसे ही बनता आ रहा है शुरू से, बचपन से मैंने यही रेसिपी देखी है तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ और मुझे यही कम्फर्टेबल लगता है। सिर्फ एक कढ़ाई लो और जिस बर्तन में मलाई रखी बस वो दो बर्तन ये होते हैं, और मतलब मैं यूज़ हूँ इसकी तो मुझे आदत है और मुझे ईजी भी लगता है। तो आप लोग भी इस मेथड से ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस बार और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी इजी लगेगा। तो यहाँ पे हमारा घी बन के रेडी है, अब हमें इसको बस छानना है, तो अगर गर्म है तो स्टील की छन्नी से छानिएगा आप लोग इसे। घी बन के रेडी है, छानने की क्लिप मैं नहीं ले पाई और ये टिफिन भर के घी है और मलाई जो थी वो इस तरह के दो टिफिन भर के थी और इसमें भी थोड़ा सा थी, और ये जो मावा बचा है तो उसको मैंने चीनी मिला के रख लिया है और ये खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। सो ये इतना घी बना है मेरा, तो मैंने इसको पूजा के जगह पे रख दिया है, ये सिर्फ पूजा के लिए ही मैं यूज़ करूंगी एंड इसको मैंने रखा फ्रिज में, जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे तो खा सकती हूँ। सो बस इस वीडियो में इतना ही, और ये आलू के पराठे हैं जो मैंने रात में डिनर के लिए बनाए थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल रचना पैराडाइज। और अगर आपको आलू के पराठे की स्पेशल रेसिपी देखनी है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं शेयर कर दूँगी। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।